मुंबई के एरोली में अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप निषाद भोई समन्वय समिति के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ हो गया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दीप जलाकर पारंपरिक तौर पर इस अधिवेशन का उद्घाटन किया। खोली महासंघ के अध्यक्ष रमेश दादा पाटिल के नेतृत्व में 21 और 22 मई तक चलने वाले इस अखिल भारतीय अधिवेशन में खोली मछुआरा निषाद समुदाय के 151 प्रतिनिधि और सामाजिक राजनीतिक हस्तियां हिस्सा ले रही है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई में आज से कोली निषाद समुदाय के अखिल भारतीय अधिवेशन का शुभारंभ हो गया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने इसका पारंपरिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति का शोभा यात्रा के जरिए स्वागत किया गया। 2 दिनों के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कोली निषाद मछुआरा समाज के विभिन्न प्रांतों के 151 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जहां निषाद कोली समाज के सामुदायिक विकास, राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक उत्थान के लिए चिंतन होने वाला है। इस अवसर पर बीजेपी विधायक गणेश नाइक, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, सांसद अजय निषाद, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता समेत तमाम प्रांतों के कई बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। चिंतन बैठक में शिरकत करने के बाद नेताओं ने विश्वास जताया कि अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप निषाद भोई अधिवेशन मछुआरा और कोली समाज के उत्थान और सामुदायिक समस्याओं के समाधान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और समाज को मुख्य धारा में लाने का काम करेगा। यहाँ के विधायक महाराष्ट्र के रमेश दादा पाटिल, इनके नेतृत्व में अखिल भारतीय कश्यप नहार और पिछड़े हुए जनजाति लोगों का ये अधिवेशन संपन्न हो रहा है। अखिल भारतीय कोली महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते रमेश दादा को जो मौका मिला, वो मौके का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने सभी लोगों को संगठित किया, लोगों के दुख दर्द देखने की प्रयास की और जा जा पे कुछ कमी है वो पूरी करने का प्रयास किया। देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब ने 2014 से ऐसे पिछड़े हुए समाज को निगाह में रखते हुए बहुत बड़ी राशि इनके विकास के लिए दी और सही पैमाने पे हर राज्य में, राज्य के जिला, तहसील, गांव-गांव में जो दुखी लोग थे वो लोग अभी अपने आशा लेके आगे आगे बढ़ रहे हैं। जवान लोगों को उद्योग देना, नौकरी देना, आवास देना, ये सब काम नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में सभी डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं और उसमें ये कोली महासंघ का योगदान बहुत बड़ा है। आज जो अधिवेशन संपन्न हो रहा है उसको मेरी शुभकामनाएं और आगे चल के रमेश दादा पाटिल के माध्यम से ऐसे पिछड़े हुए समाज का और योगदान उनका जो मिले उनको ऊपर आने में, जैसे अभी नौजवान लोग अभी साथ में हैं, जैसे रमेश दादा का सुपुत्र केतन पाटिल भी काम कर रहे हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता उनके साथ में हैं, ये लोगों के ताकत से ये कार्य आगे आगे बढ़ते जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कोली महा समाज की तरफ से और निषाद कोली और जो इसके साथ जुड़ी हुई जातियाँ हैं उनकी तरफ से 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है, उसमें मुझे बुलाया गया था। मैं यहाँ के विधायक, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रमेश दादा पाटिल जी का धन्यवाद भी करता हूँ। जिस प्रकार से ये समाज अलग अलग तरीके से विशेष करके देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और उस भूमिका को आगे बढ़ाने में किस प्रकार से आर्थिक रूप से ये आगे बढ़े उसका भी यहाँ पर चिंतन हो रहा है। और समय समय पर जिस प्रकार से ये 13वां अधिवेशन है, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर ये समाज निश्चय ही आगे आए, इसके लिए
जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए भी यहाँ पर चिंतन हो रहा है। मुझे लगता है इस चिंतन से बहुत सी बातें उभर करके सामने आएंगी और आने वाले समय में इस समाज को आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरित करेंगी और एक पूरे ही इस निश्चय के साथ ही आगे बढ़ेंगी। ये हम लोग को लगातार इस तरह का कार्यक्रम होते रहता है। इस बार नवी मुंबई में हो रहा है ये कार्यक्रम। हम लोग का अपना समाज जो राजनीति रूप में बहुत पीछे है, शिक्षा में भी हम लोग का समाज का स्थिति उतना मजबूत नहीं है, तो समाज को शिक्षित करने राजनीति भागीदारी कैसे और आगे बढ़े उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। समाज में हम लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है, किसी भी जाति से हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो उससे हमारी संख्या कम नहीं है, लेकिन जितने राजनीति भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो विधायक के रूप में हो चाहे सांसद के रूप में हो, वो अभी कम दिख रही है। तो लगातार हम लोग ऐसा चिंतन शिविर कर कर के राजनीति भागीदारी कैसे आगे बढ़े, हम लोग का संख्या कैसे बढ़े इस पर हम लोग चिंतन करते हैं, समाज कैसे शिक्षित हो जागरूक हो इस पर भी हम लोग चिंता करते हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अगर हम चर्चा करें तो उसमें कुछ समाधान हम लोग को दिख रहा है। अभी OBC की अगर चर्चा करें तो संविधान का नया उनको पिछड़ा आयोग बनाया गया, जिसके पहले अध्यक्ष हम लोग के समाज के डॉक्टर भगवान लाल सहनी बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण का भी लाभ दिया, तो जितने भी OBC जो हम लोग बहुत सारे स्टेट में हम लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं, बहुत जगह OBC में आते हैं, तो जो मेडिकल के जो बच्चे OBC समाज के थे उनको ये सब फायदा मिल रहा है। और प्रधानमंत्री है जो आज़ादी के बाद जो लाभ OBC को मिलना चाहिए उन्होंने दिया। ये चिंतन जैसे जैसे शिक्षा और जागरूकता, ये समाज जैसे जैसे शिक्षित हो रहा है, अपने अधिकार को समझ रहा है, और इस देश का संविधान भी चाहता है कि अपने अधिकार की लड़ाई हर को लड़ने के लिए यहाँ उनको अधिकार मिला हुआ है, तो आज इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा कि आप देखे होंगे, अभी तक OBC को कभी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने संवैधानिक दर्जा दे करके इस समाज के उत्थान हेतु, क्योंकि ये समाज अभी अनुसूचित समाज की लड़ाई बराबर लड़ते आ रहा है कि हमें अनुसूचित समाज में होना चाहिए, क्योंकि हमारी माली हालत शैक्षिक राजनैतिक आर्थिक दृष्टि से सबसे कमज़ोर और निचले पौदान पर आज भी ये समाज है। ये अपनी रोजी रोटी के रोज़मर्रा के कार्यों को करते हुए अपने जीवन यापन करता है और अपनी लड़ाई संघर्ष में जीवन बिताते हुए, यहीं नहीं इस देश को आज़ाद कराने में भी यह समाज सबसे अग्रणी भूमिका निभाया है। और अंग्रेज़ों के साथ जो हमारे देश के ऊपर आक्रमण किए थे, गुलाम बनाए थे, उनको भी उनसे आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा इनका योगदान रहा है। तो ये समाज अब जान चुका है कि हमने इतनी लड़ाई लड़ी, और हम जब समाज देश के हित में हम काम कर रहे हैं तो देश में हमारी भागीदारी क्यों कम है, हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। हम जितना हमारी संख्या है उतनी भागीदारी होनी चाहिए, तो उस भागीदारी के तहत आज पूरे भारत, संपूर्ण भारतवर्ष में सभी प्रांत के लोगों में इस बात का चर्चा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन एक संस्था है, उन्होंने भी जागरूकता फैलाई थी, साउथ के लोगों ने उसको बनाया था, उस एसोसिएशन को लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के और किसी भी हिंदी भाषी या अन्य भाषाओं के प्रदेशों में उसके माध्यम से आज बहुत ज़्यादा जागरूकता हुई है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर समाज की भागीदारी देने के लिए सरकार भी चाहती है कि आप आगे आओ, आगे पाओ। जब हम आगे बढ़ करके जाएंगे तो मुझे निश्चित तौर पर हम उस तरह का काम करेंगे, भागीदारी समझें कि हमें भागीदारी कैसे, संवैधानिक भागीदारी कैसे मिलेगी। जब उसका ज्ञान होगा तो हमें अपना अधिकार मिलेगा। हमें अलग अलग न माना जाए, यह बात जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ ये नहीं समझती है बच्चा भूखा है, और जब बच्चा भूखा होता है तो रोएगा तो उसको पता चलेगा बाप को और माँ को, तो ज़रूर उसके लिए भोजन की व्यवस्था करेगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी जानते हैं, आप वो चाहते हैं कि आप जागरूकता लाओ, और आपका अधिकार जो होगा ये सरकार कभी भी वंचित नहीं करेगी। सरकार उस अधिकार को देने, क्योंकि प्रधानमंत्री पर भरोसा हो गया समाज को कि हम अपने अधिकार को अगर हम बता पाएंगे, उनको समझा पाएंगे, वहाँ तक हमारी बातें जाएगी, तो ज़रूर हमको जो हमारे योग्य अधिकार है वो मिलेगा। इधर समन्वय समिति की ओर से इधर जो अध्यक्ष हो रहे हैं उसके लिए मेरे भाई रमेश जी दादा पाटिल और उनके सुपुत्र एडवोकेट
ये सभी ने जो प्रयास किया है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इस समाज को इधर लेने की मैंने उनके कोई उद्देश्य हो सकता है। मैं इधर का जो क्षेत्रीय समाज संगठन है उसका एक अध्यक्ष होने की वजह से मैं इस सभी अधिवेशन के सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ रमेश पटेल और दादा को कि ऐसा ढंग का अधिवेशन नवम्बर करके आपने एक नवम्बर का दर्शन दिया है। नवम्बर सभी लोगों के लिए एक है, भारत में ऐसे एक स्टेट है जिधर सभी स्टेट के लोग रहते हैं, उसमें सभी जो आप आदमी आए सभी उनका स्वागत करते समय मैं भी चाहता हूँ कि इस ढंग से जो अधिवेशन का तैयारी चल रहा है उनका जो ठहराव मंजूर होगा उसका सभी केंद्र बिंदु रमेश प्रताप पाटिल और हमारे उनके सुपुत्र की ओर से एडवोकेट के हिसाब से इधर हो गया तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। मुझे मालूम है रमेश दादा इसमें कोई पीछे नहीं रह गए और इसलिए मैं इस कार्यक्रम के लिए शुभेच्छा देता हूँ। अच्छी बात है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए क्योंकि रमेश दादा चेतन दादा हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये पहली बार 29 राज्यों के कोली महासंघ के सारे प्रतिनिधित्व करने वाले न्यू बॉम्बे में आए हैं। दो दिन का ये अधिवेशन है और रमेश दादा उसका नेतृत्व कर रहे हैं, चेतन पाटिल उसका संयोजक है, तो एक बहुत बड़ी हमें ये उपलब्धि मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में इस न्यू बॉम्बे के महाराष्ट्र के जितने भी कोली संघ है जितने भी कोली लोग हैं वो हमसे जुड़ेंगे और ये जुड़ने के लिए जो अच्छा योगदान कौन दे रहा है तो रमेश दादा पाटिल दे रहा है, इसीलिए रमेश दादा पाटिल की मैंने यहाँ पे आके उनकी शुभेच्छा दी, उनको गुच्छे दिया, उनके आभार प्रकट कर दिए और ये रमेश दादा पाटिल भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव को बहुत बड़े पैमाने पे आगे बढ़ा रहे उसका हमें बहुत आनंद है। वहीं अधिवेशन के आयोजक और कोली महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक रमेश दादा पाटिल ने नवी मुंबई में कोली निषाद समाज का अधिवेशन आयोजित करने पर खुशी जाहिर की और कहा कि यहां कई प्रस्ताव पारित होंगे जिन्हें केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा ताकि कोली निषाद मछुआरा और आदिवासी समाज को हक और न्याय मिल सके। सब समाज के पूरे जो हमारे राजकीय प्रतिनिधि हैं वो आए हैं, समाज के अलग अलग भाग से मतलब हर प्रांत से हमारे अलग अलग नेता यहाँ पे आए हैं। दो दिन का जो अधिवेशन यहाँ ले रहे हैं उसका कारण एक ही है कि 13 साल के बाद महाराष्ट्र में अधिवेशन लेना चाहिए, एक समन्वय कमेटी ने डिसाइड किया था, इसलिए हम नए मुंबई में ये अधिवेशन ले रहे हैं। इसका मकसद यही है कि नए मुंबई में जो हमारा कोली समुदाय है, जो हमारा मछुआरा समाज है, नई मुंबई में 6 जिलों में वो बिखरे हुए हैं, वो मछुआरों का जो प्रामुख्य में मछुआरों का जो प्रॉब्लम्स है जो समस्या है उसके ऊपर इस दो दिन में चर्चा होने वाली है। उसके अलावा हर प्रांत में जो हमारे मछुआरे हैं हिंदुस्तान के हर प्रांत में हर जिले में जो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस होने वाला है। आदिवासी समाज में आदिवासी बच्चों को आदिवासी में जो नौकर वर्ग है जो नौकरी करने वाले को वैलिडिटी नहीं मिल रहा है, वैधता प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, जो विद्यार्थी है उसको जाति के दाखले नहीं मिल रहे हैं, प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे, उसके ऊपर भी चर्चा होने वाली है क्योंकि बहुत 20-25 सालों में बहुत सारे प्रश्न उपस्थित हुए हैं लेकिन वो जटिल बन गए हैं, छूटते नहीं हैं, वो जो प्रश्न है जो समस्या है छोड़ने के लिए हम लोग यहाँ दो दिन का अधिवेशन महाराष्ट्र में ले रहे हैं और वो नई मुंबई में ले रहे हैं क्योंकि क्या हर प्रांत का जो हमारा प्रतिनिधि है वो यहाँ पे आए हैं, कोई तमिलनाडु से आए, कोई आंध्र से आए हैं, कोई कर्नाटक से आए हैं, कोई जम्मू से आए हैं, कोई असम से आए हैं, कोई बिहार से आए हैं, कोई गुजरात से आए हैं, ये सारे मतलब 29 प्रांत से हमारे प्रतिनिधि यहाँ आए हैं कि जनेगुरु मछुआरों का जो समस्या है और हमारे जातियों का दाखिले का समस्या है वो ज़्यादा करके हम लोग को छेड़ रहे हैं, तो ये समस्या छुड़वाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। सब मिलके हम लोग डिसाइड किया है कि अगला अधिवेशन के पहले हमारा अगला अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने वाला है, उसके पहले हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलने वाले हैं और हमारे जो समस्या है जो अभी दो दिन में चलने वाला जो अधिवेशन है
वो अधिवेशन में हम इस समस्या का ठहराव लेने वाले हैं। वो ठहराव हम दिल्ली में अमित जी शाह जो अपने मंत्री महोदय हैं और प्रधानमंत्री जी हैं उनको दोनों को हम ये मेमोरेंडम देने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे नेताओं ने जो हमारे नेता थे उन्होंने कहा कि एक ही पार्टी ऐसे है कि जो अपना प्रश्न छुड़वा सकते हैं और उसका कॉन्फिडेंस है हम लोगों को कि जो मोदी साहब काम कर रहे हैं देश में, क्योंकि देशव्यापी हमारा अधिवेशन है तो देशव्यापी अधिवेशन में हमारे देशों में जितने नेतागण हैं हमारे मंत्री हैं विधायक है पार्लियामेंट एमपीज हैं उनको आशा है कि अपन इकट्ठा होके ये एक मेमोरेंडम बनाएंगे और वो प्रधानमंत्री को दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।